आएंगे पुणे हिट एंड रन मामले की खबर के साथ। जी हां, पुणे हिट एंड रन मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। एक बिगड़ैल अमीर शहजादे को बचाने के लिए सिर्फ उसकी फैमिली ही नहीं बल्कि कई विभागों की भागीदारी भी शामिल है। सबसे पहली बात ये कि इस पूरे मामले में अब नाबालिग आरोपी की मां से पुणे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अब तक सामने आई है कि नाबालिग आरोपी की मां ने ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया। सूत्रों की माने तो बाहरी लोगों द्वारा ये जो ब्लड सैंपल है उसे चेंज किया गया, बदला गया। वहीं तीसरी सबसे हैरान करने वाली बात ये कि ब्लड टेस्ट के दौरान चार आउटसाइडर्स यानी जो चार बाहरी लोग थे वो भी उस वक्त वहां मौजूद थे। There are a lot of shocking details which are coming to fore in Pune case. How do you look at it? Why the officials were pressurized? What are the links which are being established? Now there was a MLA who called the particular police station. There are several charges which are coming to fore. Why such negligence by the entire system is coming to fore? आपने देखा होगा कि जो सापरे कमेटी डॉक्टर सापरे कमेटी बनाई है उस डॉक्टर सापरे पे ही कई एलिगेशंस हैं। एक उदाहरण के लिए कि उनके पास किराए की गाड़ी है, उसका हर महीने का किराया 1,00,000 बनता है, ऐसे कई उनके ऊपर चार्जेस है। ऐसी कमेटी उनने बनाई। ये घटना में आपको देखा गया होगा कि उसका ब्लड सैंपल बदला गया। ये घटना में आपको जिस आरोपी जो पकड़े गए उनको आरोपी को ऐसे लिखने लगा है पुलिस स्टेशन में। अब देश में ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि गरीब के लिए अलग कानून और रईस जादव के लिए अलग कानून, ऐसा तो कानून नहीं हो सकता। और इसलिए सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि आप खुद सामने आके बताइए कि वास्तविकता क्या है। Well, yes, mother has already been questioned in this entire matter and it is also likely that if her role is found suspicious, doubtful or her direct indirect involvement in this entire case, so she is also likely to be arrested. And in fact, we are reporting here from CP office and what we are being told is that if arrested, she will be brought here only at the CP office in Pune, because remember that father, grandfather already arrested and in fact, if the entire family is involved in this matter, so certainly mother must have also been involved, either be in... She might be that she has made some calls. There is a possibility that she must have, managed to speak to the driver or his family as well. Because remember, the driver has already said that he was pressurized. He was kidnapped, in fact, by the grandfather, pressurized, threatened to accept that he was there at the driver's seat that day when the accident took place. And in fact, now that is why mother's role is under the scanner. But we'll have to see that how this entire investigation unfolds and when will the mother be arrested? तो ये तीन नई बातें, नए जो बड़े खुलासे वो सामने आए। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार बाकी चीजें भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक विधायक का नाम भी सामने आया हमारे सहयोगी अभिषेक के द्वारा। ये किया गया पूरा सीक्वेंस आप एक बार देखिए। लेबर का काम करते हो बराबर है, लेकिन 3-4 दिन से हम लोग आ रहे हैं, कोई पता ही नहीं कहाँ पर है सर। उस दिन रवि साहब से भी मिले थे, मीटिंग रहे ना उनके भाई, उन्होंने बोला, मेरा नंबर भी लिया था, बोला कॉल बैक करेंगे, साहब फोन ही नहीं उठा रहे। पुना में है कि नहीं? पुना में वो भी नहीं मालूम, घर में के अंदर है क्या? नहीं है घर में, नहीं है पुना में है या वो भी नहीं मालूम। अरे यार कैसे नहीं मालूम, आप काम करते हो इधर,